ना रश आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 4.5 करोड़ रुपए पर मंथ एक जो ब्रांच है इनकी वो कर रही है भाई। विद इन सेकंड्स इतने सारे डोसे जो है वो बना दिए। जबरदस्त, हर तरफ आपको देखेगा घी जो है वो भरा हुआ है। इनका तवा नहीं है, ये तो स्टेज है, द स्टेज इज सेट। और ये देखो भाई पोड़ी, यहाँ पे ना एक टेम्पल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया। और भाई आज हम हैं बेंगलुरु में और आपको दिखाने वाले हैं बेंगलुरु का लेट नाइट फूड। यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं एक तो बहुत कमाल है, दिन की तो आपको हमने बहुत सारी दिखाई है, बट भाई साहब जो रात की फूड आइटम्स है ना यहाँ पे इतनी कमाल है और क्राउड इतना नेक्स्ट लेवल का है कि आप भी बोलोगे कि भाई हरिया तू कमाल है यार, क्या क्या ढूंढ लेता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। और यार मैं तो बताने भूल गया कि आपको तो पता ही है कि हम जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी होते हुए अमृतसर, 10,000 किलोमीटर, 35 शहर। और भाई साहब अनलिमिटेड स्वाद, जायके एंड चटाके। इस सीरीज को, इस चैनल को सपोर्ट करते रहना, ऐसे बहुत सारे टूर्स जो है भारत मेरी जान जो है ये आते ही रहने वाले हैं। और भाई हम इस साल बहुत ज्यादा शहर घूमने वाले हैं। भाई साहब सबसे पहले हम जिस जगह पे आए हैं, मैंने सुना है यहाँ पे भाई रात को जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो जब अपने जॉब से फ्री होते हैं तो यहाँ पे आके खाना खाते हैं। फुल एक्शन पैक जगह है और यहाँ पे जो माहौल है अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भैया आपका नाम? चिक्की घोड़ा। क्या बना रहे हैं? यहाँ पे भैया मसाला डोसा बना रहे हैं। इसमें क्या क्या रहता है बैटर में? दाल है, चावल है, मेथी डालते हैं क्या? आमला डालते हैं? हाँ मेथी, मेथी नहीं डालते, मेथी वो बोल रहे हैं, मेथी डालते हैं, नहीं डालते चलो मेथी नहीं डालते। दाल और राइस का बैटर है और ये मसाला डोसा जो है बन रहा है एकदम बढ़िया, झाग जो है आ गई। और भाई वही स्टैंडर्ड जो फेयर है, देसी घी, नंदिनी, हाँ एवरीवन लव्स नंदिनी, हाँ हूज नंदिनी, नंदिनी घी। सो ये देखो एकदम बढ़िया, ऊपर जबरदस्त बबल जो है वो देसी घी के आ रहे हैं। और इधर ये राइस की एक प्लेट लग रही है, कौन सी प्लेट है? पुलाव। पुलाव विद नारियल चटनी, नारियल चटनी के साथ भाई पुलाव की प्लेट जो है वो लग रही है। और भाई इधर डोसे देखो कितने बढ़िया फ्लिप हो गए हैं, एकदम जबरदस्त रंग आ गया इनके ऊपर, कमाल लग रहे हैं। और क्या होता है सर यहाँ पे? पुलाव है, सेविया बात, इडली, सेविया बात, सेमिया, वो क्या होता है? अरे क्या बात है, अरे वाह, ये प्लेट में लगा के दिखाइए। इधर देखो ये लग रहे सेविया बात, इसको सेविया बात कहते हैं, सेव के बाद। ये देखो ये सेविया सीधा हाथ से डाल के ऊपर से वड़ा और चटनी भी डालते हैं इसी के ऊपर। ये आ गई चटनी नारियल की और ये प्लेट रेडी है। कितने की प्लेट है सर? 60 रुपीज़। हाउ मच? 60। 60। ओके। और इसके अलावा वो भी एक लगा के दिखाइए राइस की प्लेट। ये मसाला डोसा रेडी है भैया, मसाला दिखाया नहीं, खोलना। इधर देखो भाई ये मसाला अंदर है, साथ में एक मिर्ची डाली है, साथ में शायद ये पोड़ी है। और ये चटनी, ये नारियल की चटनी और फुल एक्शन पैक सेटअप है, कमाल है भाई। 10 मिनट में इडली रेडी हो जाएगी, जब तक आपको बाकी चीजें दिखाते हैं। नारियल की चटनी वाला डोसा केले के पत्ते के ऊपर, ये पुलाव आ गया, लेमन राइस है, पुलाव अच्छा बढ़िया लग रहे हैं यार एकदम। और इसमें क्या क्या डालते हैं आप? ये बड़ा तो साथ में आएगा ही आएगा भाई, ये दो तरीके की चटनी है ना, ये पार्सल चटनी है, ये इधर खाने का चटनी। वो कौन सा? पार्सल का, पार्सल। अच्छा पार्सल का अलग है और खाने का अलग है? नहीं चटनी एक ही चटनी, वो पार्सल का। अच्छा पार्सल का थोड़ा मोटा है और जो इधर का है वो थोड़ा पतला है। भाई ये देखो देसी घी जो है उसको डालने का शौक है भैया को। अच्छा पूड़ियाँ भी है? पूरे, पूरे। अरे वाह भाई, यहाँ तो नाश्ते का सामान है पूरा। ये डोसा जो है ये कौन सा वाला लगा रहे? मसाला डोसा होता, ये प्लेन डोसा होता। ओके। पूरी का साग, पूरी का। ये क्या है? पूरी, पूरी को पूरी के साथ। अरे वाह ये तो सब्जी है भाई, क्या बात है। आलू भाजी, आलू भाजी। और इधर ये इडली का सांभर, ये इडली का सांभर है, वाह। और भाई उधर देखो पीछे भैया ने मसाला लगाया एक, और ये दूसरा वो पोड़ी है, लाल रंग का पोड़ी है। ओके ये देखो भाई साहब विद इन सेकंड्स डोसा रेडी। और पीछे और माहौल बन गया, कुछ और बना रहे हैं, ओपन डोसा अभी डाल। अच्छा अभी ओपन डोसा बन रहा है? हाँ ओपन डोसा बनता है। ये देखो पोड़ी, ओ भाई भर दिया पूरा अच्छे से, पूरी
और ये ऊपर से ऑयल और ये पूरी पूरी साथ में नारियल चटनी डालता। अरे भाई नारियल चटनी और साथ में ये आलू भाजी, ये पूरी की प्लेट रेडी। क्या बात है यार, पूरी मसाला से डोसा जो है एकदम बढ़िया रंग में रंग गया है और साथ में ये आलू भाजी जो है वो डाल दी है और ये डोसे रेडी विद इन सेकेंड्स। अन्ना थटे इडली रेडी है? छोटा इडली ये छोटा इडली है। ओ स्टीमिंग हॉट इडली भाई साहब, ये तो छोटे वाली इडली है बट दिखाते हैं आपको कैसी लगती है, ये देखो। ओहो हो हो कमाल, इट्स लाइक आइस क्यूब्स। ये देखो भाई ये रेडी, वाह एकदम पाइपिंग हॉट, धुआं देखो कितना कमाल लग रहा है, मुंह में सबके पानी है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि भाई दो हमारी प्लेट। ये देखो ये इडली की प्लेट तैयार, साथ में ये चटनी, ये सांभर, वाह ये कौन सा डोसा बन रहा है भाई साहब? ये बहुत बड़े साइज का है, कौन सा वाला है? हिंदी इंग्लिश इंग्लिश पेपर मसाला डोसा, पेपर मसाला डोसा। सो उस्ताद जी जो है पेपर मसाला डोसा बना रहे हैं यहाँ पे, हिंदी नहीं समझते बट हम कन्नड़ नहीं समझते बट हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो बात करेंगे खाने के माध्यम से। और ये देखो भाई ये मसाला और मुंह में फुल ऑन पानी और भाई सब कोई वेट कर रहा है। ये पेपर मसाला डोसा है, ओके एंड कैन यू टेल मी द प्राइसेस ऑफ ऑल ऑफ द डोसास? मसाला डोसा क्या प्राइस है? ओ यू हैव द मेन्यू, ये देखो मेन्यू पॉज करके पढ़ लेना भाई। ये देखो ये पूरा मेन्यू है यहाँ पे, ये फोकस हो गया और अब पॉज करके आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो इनके उस्ताद जी ने भाई ये कमाल है भाई, विद इन सेकेंड्स इतने सारे डोसे जो है वो बना दिए। और भाई मेरा तो ध्यान पूरा उधर है इडली पे, देखो कितनी एक्शन पैक्ड ये सेटअप है। इडली इतनी जबरदस्त लग रही है ना, मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है इडली को देख के। पूरी मसाला शौगी बात ओके पुलाव राइट, शौगी बात द राइस राइट, नूडल्स ओ द नूडल्स सेवियां राइट राइट। भाई साहब ये हमारी प्लेट आ चुकी है, ऑरेंज लाइट में थोड़ी अलग लग रही है, यहाँ पे असली मज़ा आ रहा है भाई देख के, बट ये देख लो। और अभी हम ट्राई करते हैं। तो भाई साहब ये एकदम फ्रेश गर्मा गर्म इडली और ये चटनी के अंदर भिगो के, रुको थोड़ा और भिगोता हूँ। अकाउंटेंट साहब थोड़ा दुमा थाना पढ़ो। ये देखो भाई हियर इज, भाई साहब जो यहाँ पे माहौल है, जो लोगों की भीड़ है, सारा का सारा क्राउड इतना प्यारा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और खाना वो बहुत कमाल है, उसी की वजह से सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हियर इज बाइट, ओ भाई एकदम सॉफ्ट, एकदम कमाल इडली है। और चटनी जो है भाई साहब, ये जो चटनी है ना, मेरे हिसाब से बेंगलुरु की सबसे बढ़िया चटनी है भाई साहब। जो बेंगलुरु में मिलती है ना चटनियाँ, उसमें हरी मिर्च डालते हैं, क्या कमाल बनाते हैं यार। Put less ghee. I don't want more ghee. Oh no 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 no. But I don't want more ghee. You said more ghee. Yeah. भाई हम मेरी चकल देख के लोग सोचते हैं घी ज्यादा खाएगा, नहीं यार कम घी खाएंगे भाई। ये देखो हमारा जो मसाला पोड़ी डोसा या पोड़ी मसाला डोसा है वो रेडी है और बहुत ही कमाल लग रहा है इसके साथ। ये दो तरीके की चटनी है, एक पार्सल वाला और एक यहाँ खाने वाला, दोनों मिक्स कर दिए और हम यहाँ से एक बाइट लेते हैं। और भाई बहुत कमाल लग रहा है, घी भर भर के इसके ऊपर और ये अंदर से खोल के ये मसाला लेके। और भाई आपको तो पता ही है कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है और इसके साथ ये आ गई जी ये नारियल की चटनी। एंड हियर इज अ बाइट, भाई मसाला तो कमाल है ही, उस्ताद जी ने जो पोड़ी डाली है ना नेक्स्ट लेवल भाई। इसके साथ ये पोड़ी मसाले डोसे के साथ विदाउट द मसाला अगर नारियल चटनी भी खाते हो बहुत कमाल है। देखो भैया बच्चा भी खा रहा है, बच्चा भी खा रहा है। उनका क्या नाम है? इजानुद्दीन। अरे वाह एंजॉय करें, बहुत बढ़िया।
अच्छा अभी मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ ये है बेंगलुरु की सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस। यहाँ पे कहते हैं कि हार्ट बीट है ये बेंगलुरु की। और भाई जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जो सेल्स हैं, वो आप गूगल करके देखना, आपको समझ में नहीं आएंगी। मुझे समझ में नहीं आई, मैंने बहुत कोशिश करी है समझने की। 4.5 करोड़ पर मंथ इनके लिए पीनट्स हैं, 4.5 करोड़ रुपये पर मंथ एक जो ब्रांच है इनकी वो कर रही है। आप मेरे पीछे जो अभी क्राउड देख रहे हो, ये 1 बजे का क्राउड है, रात के 1 बज रहे हैं और इस टाइम पे यहाँ पे पूरा क्राउड है। और यहाँ पे रामेश्वरम कैफ़े में हम हैं बेंगलुरु में, और इसको एक्चुअल में हार्ट बीट बोला जा सकता है शहर का। क्यों भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये क्राउड देखो। हमारे साथ है जी विनोद जी फिलहाल, जो रामेश्वरम कैफ़े से हमें बताने वाले रामेश्वरम कैफ़े के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये कैफ़े कितना पुराना है? 3 साल हो गए। 3 साल, मतलब ओवरऑल दिस इज 3 years old। वाओ, यहाँ की जो हैपनिंग वाइब है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और आपको तो मालूम ही है रामेश्वरम कैफ़े इज द मोस्ट फेमस कैफ़े इन बेंगलुरु, बट हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आ जाइए। तो भाई हम किचन के अंदर आ चुके हैं और आते ही ये पनियारम ज़बरदस्त, हर तरफ आपको देखेगा घी जो है वो भरा हुआ है। और भाई साहब इसके अलावा इधर है जी एक और तवा जिसके अंदर घी पुड्डू जो है वो बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये स्टिक्स के साथ है, दे यूज स्टिक्स हियर। तो ये दिस इज स्टिक्स एंड व्हाट इज द बैटर, इसमें बैटर में क्या है? राइस फ्लोर, कोकोनट, जिंजर। सो इसमें कोकोनट है, जिंजर है और ये राइस का बैटर है। भाई एकदम ज़बरदस्त सिजलिंग एंड बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और ये 2 तवे हैं इधर जिसपे जो घी पुड्डू है जो वो बन रहा है पनियारम। और दैट्स द 30 इडली। क्या बात है यार, निकालिए। सो वी हैव द 30 इडली हियर एंड यहाँ पे दूसरे स्टीमर में जो है वो डाल रहे हैं ये पोड़ी डाल के इडली के ऊपर। एंड भाई पूरी हैपनिंग किचन है यार, फुल एक्शन के साथ यहाँ पे खाना जो है वो बनता है। और ये वाइब चेक करो आप, इतना रश आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा पूरे बेंगलुरु में। और ये देसी घी, वाह कमाल है भाई, जबरदस्त। What else do we have here? हम अभी विनोद भाई साहब को जो है फॉलो कर रहे हैं और ये हमें दिखाने वाले हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान। इधर क्या बनता है? हैंड टॉस इडली, घी पोड़ी राइस। अच्छा, गुंगुरा राइस। तो इधर हैंड टॉस, घी पोड़ी राइस और गुंगुरा राइस जो है वो बनता है। What are you making? अभी क्या बना रहे हैं? टमेटो राइस। तो अभी भाई टमेटो राइस जो है वो बन रहे हैं, इसमें कड़ी पत्ता है, जीरा है, टमाटर है और वो के अंदर टमेटो राइस तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। इसमें सब मसाले जो है वो मिक्स करके रखे हुए हैं और ये स्टीम राइस जो है वो आ गए हैं। ओ वाह, बहुत बढ़िया यार। भाई साहब रामेश्वरम कैफे जो है लिटरली बेंगलुरु की हार्ट बीट है। और प्रूव करने के लिए आप इधर देखो, कितने लोग हैं यार यहाँ पे। और ये हल्का सा माइडास टच घी आ गया साथ में और अच्छे से मिक्स। ये भाई साहब हरिया धनिया, ये आपके कौन से वाले राइस है? टमेटो राइस। ये टमेटो राइस रेडी है और कमाल लग रहे हैं भाई साहब, बनाना लीफ के ऊपर। और इसके साथ क्या सर्व करते हैं? रायता और चटनी। भाई साहब इसके साथ रायता और चटनी जो है वो दोनों रहते हैं। और ये आपकी प्लेट बनके तैयार, कमाल है। ये है जी आपके टमेटो राइस साथ में रायता और चटनी। अक्की रोटी, अरे भाई ये अक्की रोटी है, किसकी बनती है? राइस बैटर है। भाई साहब ये अक्की रोटी है, ये भी राइस की बनाते हैं, इसमें हरिया धनिया डाल रखा है। क्या क्या रहता है भाई इसमें? धनिया, सेपू, अनियन, मिर्ची और राइस। अच्छा, अरे वाह। पहले तो इसके ऊपर तेल लगाया और ये देखो ये डो है, राइस डो है, राइस फ्लावर है, अंदर मिलेट्स है। वाह, राइस का फ्लावर है, अंदर मिलेट्स है और भाई प्याज है, हरिया धनिया है साथ में। मुझे लग रहा है कसूरी मेथी भी है। कसूरी मेथी भी है? नहीं है, कसूरी मेथी नहीं है भाई, हरिया धनिया है सारा। एंड यहाँ पे देखो एकदम इसको फ्लैटन करके, जैसे हमने वो आपको पूरन पोली दिखाई थी यहाँ की मीठी पोली, वैसी ही लग रही है ये। और ये गई सीधा तवे के ऊपर, बढ़िया।
और इसको कैसे सर्व करते हैं आप, इसके साथ क्या देते हैं? इसके साथ क्या? टमाटो चटनी. टमाटो चटनी पूरी. ओके. वाह भाई साहब, इनका तवा नहीं है, ये तो स्टेज है. द स्टेज इज सेट. कमाल. भैया इतना पानी. क्लीन इट अप. ओह भाई, मसाला डोसा जो है वो बन रहा है. कौन सा वाला? ये घी पोड़ी मसाला ही है. ये बन रहा है घी पोड़ी मसाला डोसा, और राइस और दाल का बैटर है उसको फैला दिया सब तरफ से, एंड इसको गोल घुमा के. भाई यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एनीवे. उन्हीं डोसों के ऊपर बढ़िया तरीके से घी डाल रहे हैं दबा के. और यहाँ पे नंदिनी, साउथ इंडिया का फेवरेट और फेमस ब्रांड है भाई साहब नंदिनी, एंड यहाँ पे दबा दबा के डाल रहे हैं. वाओ सुपर. और ये देखो भाई पोड़ी. और ये ऊपर से मसाला. वाह. और ये डोसा जो है ये रेडी. इसके ऊपर नारियल चटनी. ये बिसी बड़ा बात है. बिसी बड़ा भात. यस, साउथ इंडियन का फेमस बिसी बड़े भात. ये है भाई साहब बिसी बड़े भात. साउथ इंडियन का फेमस डिश है. साउथ इंडिया का फेमस डिश है यार ये. कमाल है. ये सकरे पोंगल है. ये स्वीट है. सकरे पोंगल. यस, शक्कर वाला पोंगल. यस यस. अरे वाह कमाल. गाजर का हलवा है. ये है जी गाजर का हलवा. एकदम ये गाजर का हलवा महीन किया हुआ है यार. एकदम ब्लेंड किया हुआ है इसको. यस, ये जामुन है, गुलाब जामुन है. ये है गुलाब जामुन. कमाल हो गई यार. चना मसाला है. ये है भाई साहब चना मसाला. कमाल लग रहा है. पंजाबी वाला फ्लेवर भी आ गया इधर. पंजाब वाला फ्लेवर भी आ गया. ये भाई साहब वेजिटेरियन कोरमा. ये नारियल कोकोनट ग्रेवी. ये सांबर है. एंड दिस इज द सांबर. यस सांबर. वाह जी. व्हाट्स नेक्स्ट? ये नारियल चटनी. ओ बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर. ये टमाटर चटनी. जी 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 जी. ये जी टमाटर की चटनी. एक बार और दिखाइए भाई साहब. ये टमाटर की चटनी है. ये तो और भी सुंदर लग रही है. एंड व्हाट्स नेक्स्ट? ये जिंजर चटनी है. ये है अच्छा जिंजर चटनी भी. यस जिंजर का. बहुत बढ़िया है. ये ऐसी एकदम बढ़िया खिले खिले लेमन राइस. एंड इसके साथ इसमें पीनट्स हैं और राई है. और भाई कमाल लग रहा है यार. जबरदस्त लेमन की खुशबू आ रही है. पुलियोग्रे. व्हाट्स दैट? ये पुलियोग्रे है. उसका मतलब पुलियोग्रे इधर. इज इट लाइक फ्राइड राइस? नो. इट इज साउथ इंडियन का फेमस राइस है. अच्छा पुलियोग्रे. यस पुलियोग्रे राइट. ये भाई साहब पुड़ी ओगरे है. कोई फेमस राइस है इसका मुझे तो मालूम नहीं है. ये भाई साहब पीनट्स की चटनी. ओ कमाल. व्हाट एल्स? ये नारियल चटनी. ये नारियल चटनी है जी. एंड दिस इज द सांबर. यस सांबर. शो मी द सांबर एज वेल. ये देखो भाई ये सांबर है. एकदम कमाल लग रहा है. इसमें आपको बढ़िया सब्जी और गाढ़ापन देखो यार. हम यूजुअली देखते हैं बहुत ज्यादा पतला सांबर होता है, पर एकदम गाढ़ा है. ये पोंगल है. हाँ पोंगल. पोंगल. दैट्स पोंगल. ये साउथ इंडियन का फेमस डिश है पोंगल. ओके राइट राइट. और इसकी खुशबू बहुत कमाल आ रही है यार. कड़ी पत्ता एंड राई. भाई ये मल्टी ग्रेन डोसास भी बन रहे हैं यहाँ पे. और घी लगाने का अंदाज जो है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई. और भाई साहब ये मल्टी ग्रेन डोसा है. इसके साथ तीन तरीके की चटनियाँ जो है वो आएंगी. एक तो आ गई आपकी टमाटर चटनी. देन वी हैव द नारियल चटनी. और उसके साथ भाई साहब ये क्या है? सागू. ओ वाओ सुपर नाइस. यहाँ पे ना एक टेम्पल कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे देखो इधर रोज जो है एक दिया जो है वो चलाया जाता है. और इधर भी आप देखोगे श्री राम जब अयोध्या नगरी पधारे हैं तो इन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है. और पीछे देखो रामेश्वरम कैफे का जो लोगो है वो है. और इधर देखो भाई
इनका कैफे भी जो है पूरा का पूरा श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। रामेश्वरम कैफे आए और यहाँ की फिर फिल्टर कॉफी ट्राई ना करी तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इनकम्प्लीट है। ये देखो भाई क्या बात है, ये दूध को दूसरी फ्लोर से नापते हैं कि कितना गाढ़ा है। भाई साहब हमारा खाना जो है वो आ गया है और भैया के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खाना बहुत स्वाद है। और ये है जी व्हाट्स दिस प्लेन इडली एंड देन वी हैव द पोड़ी मसाला डोसा और भाई इसके साथ दो तरीके की चटनी और सांभर। और ये है जी इडली। और भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसको ना खाएं यहाँ पे आके। ट्राई करते हैं सबसे पहले तो ये जो इडली है इससे ही शुरू करते हैं। खट्टे इडली है ये, कमाल लग रही है। और इसकी बाइट लेते हैं यहाँ से, ये चम्मच से तोड़ा एंड इसके ऊपर ये डाली चटनी है एंड चटनी डाल के अच्छे से भाई साहब। हियर इज अ बाइट ऑफ द रामेश्वरम कैफे की स्पेशल कौन सी वाली इडली, सिंपल इडली, बट भाई डोसा जो है वो पोड़ी वाला है। हियर इज अ बाइट, इडली का टेस्ट जो है ना भाई वो पूरे साउथ इंडिया में आपको अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पे जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है ना वो पहली बाइट से ही बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी और हाइजीन जो है उसका स्टैंडर्ड, आप जो खा रहे हो उसमें आपको फील होगा, आपको एहसास होगा। जो नारियल की चटनी है ना इसमें ग्रीन चिलीज इन द नारियल चटनी, राइट? या लिटिल बिट, वेरी लिटिल ग्रीन चिलीज इन द नारियल चटनी। और भाई साहब इसके साथ ये एकदम सॉफ्ट इडली एंड Another one. ये जो नारियल चटनी और इडली का कॉम्बिनेशन है ना ये मेरा साउथ इंडिया आगे फेवरेट बन गया है, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे वो केरला हो और चाहे आगे आंध्र प्रदेश हो और तेलंगाना हो, बहुत कमाल है। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ना वो है ये मुँह दिखाई कर लो इसकी, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार ये। इसके अंदर पोड़ी है और साथ में मसाला है और इसमें आपको कढ़ी पत्ता और राई दिख जाएगी। तो एक बाइट लेते हैं यहाँ से, एकदम सॉफ्ट और जो पहला लेयर है ना एकदम करारा है इसके अंदर से। यहाँ से हम ये मसाला जो है उठाते हैं, बंद कर दो दुकान बंद। और ये साथ में नारियल चटनी एंड हियर इज भाई साहब सांभर जो है वो एंड में ट्राई करेंगे। जो नारियल चटनी और डोसा है या नारियल चटनी और जो इडली है इसका कॉम्बिनेशन ना मतलब नेक्स्ट लेवल है। जो फर्स्ट लेयर है ना जो तवे के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम के लिए टच रहती है वो तो हो जाती है एकदम करारी, एकदम ज़बरदस्त नमकीन। उसके अंदर जो देसी घी है और साथ में पोड़ी है उसका कॉम्बिनेशन ना भाई डेडली है। और जो इन्होंने मसाला डाला हुआ है ना आलू वाला मसाला वो एकदम मैश पोटेटोज जैसा है, दरदरे नहीं है, एकदम मैश है। और उसके अंदर कढ़ी पत्ता और राई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है बट ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और उसका रीज़न है हाइजीन और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, बहुत कमाल स्वाद है, ज़बरदस्त है। आप भी यहाँ पे आके ट्राई करो जैसे सब लोग करते हैं। और भाई साहब ये आगे हमारी फिल्टर कॉफ़ी दीजिए, ये देखो ये हमारी फिल्टर कॉफ़ी जो है रामेश्वरम की ये आ गई है और इसको ट्राई करते हैं। इसकी भी हाइप जो है बहुत ज़्यादा है, ट्राई करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई यहाँ वाली फिल्टर कॉफ़ी जो है ना फिर भी अच्छी, बट काफ़ी जगहों पे हमने फिल्टर कॉफ़ी ट्राई करी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये वाली जो फिल्टर कॉफ़ी है ना माइल्ड है, जो बीन्स यहाँ पे यूज़ करते हैं शायद कोड़ाई कनाल से जो है वो आते हैं। और भाई फिल्टर कॉफ़ी जिस तरीके से इसको ब्रू करते हैं ना मज़ेदार होती है, बहुत कमाल है। बट यहाँ का आप इडली और डोसा आके ज़रूर ट्राई करो, स्पेशली जो घी पोड़ी डोसा नेक्स्ट लेवल। और भाई साहब अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन से भी ऑर्डर कर सकते हो, हमारा अपना मैकडॉनल्ड्स है ये। और यहाँ पे आप देखो सारा का सारा जो फूड है, सो दिस इज बेसिकली टुडे स्पेशल्स इज गाजर का हलवा एंड देन यू हैव फिल्टर कॉफ़ी और डोसा भी है। ये डोसा सेक्शन है, इडली, अच्छा पद्दू, पोंगल, राइस, डिजर्ट्स, फ्रेश जूस, सब कुछ।